आज हम बायोलॉजी जीके का एक जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग फल, कितने प्रकार के फल होते हैं, उनका वर्गीकरण क्या होता है, फलों में कौन से पोषक तत्व प्रमुख रूप से पाए जाते हैं और फलों का कौन सा भाग खाया जाता है। ये सभी ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे रेगुलरली एक या दो क्वेश्चन बायोलॉजी सेक्शन में आपको देखने को मिलता है। यूपी ट्रिपल एससी सहित हर एग्ज़ाम में जो है ये प्रमुखता से पूछा जाता है। तो ये पूरा एक ही लेक्चर में अभी हम कवर करेंगे और इसमें आपको जो है संपूर्ण जो है जो भी फल है, फल की संरचना से लेके और फलों का जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वहाँ तक हम जो है एक ही बार में कवर करेंगे। सबसे पहले हम अगर बात करें कि फल की परिभाषा क्या होती है, यानी व्हाट इज ए फ्रूट, तो अगर आप फल की जो है जेन्यून परिभाषा की बात करें तो निषेचित, परिवर्धित और परिपक्व, यानी फर्टिलाइज्ड, मॉडिफाइड एंड मैच्योर अंडाशय या ओवरी जिसे हम कहते हैं। तो हिंदी इंग्लिश हम दोनों ही वर्ड्स का यूज करेंगे, जिससे किसी भी मीडियम में आप जो है पढ़ते हो तो आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो एक फर्टिलाइज्ड, मॉडिफाइड, मैच्योर ओवरी को हम फल कहते हैं। फलों का निर्माण फर्टिलाइजेशन के पश्चात गाइनेशियम के अंडाशय से होता है, गाइनेशियम यानी जायांग। तो ये फलों के निर्माण की बात हो गई। अब सभी जो पौधे होते हैं उनमें फल का निर्माण अंडाशय से ही होता है, ये हम मानते हैं कि सभी में जो है फलों का निर्माण अंडाशय से ही होता है। लेकिन कुछ ऐसे फल होते हैं जिनमें अंडाशय से या ओवरी से फल का निर्माण नहीं होता है, उनको हम ट्रू फ्रूट नहीं कहते हैं। यानी अगर हम ट्रू फ्रूट की परिभाषा रखें तो क्या है, अंडाशय या ओवरी से जिन फलों का निर्माण होता है उनको हम सत्य फल, सिंपल फ्रूट या ट्रू फ्रूट जो है कहते हैं। और जो फल अंडाशय से नहीं डेवलप होते हैं उन्हें हम फास्ट फ्रूट कहते हैं। तो ट्रू फ्रूट का एक और नाम क्या है, यूकार्प, ये भी याद रखिएगा कभी पूछा जा सके। तो ट्रू फ्रूट के जो कुछ प्रमुख उदाहरण हैं वो कौन कौन से हैं, आम, मक्का, अंगूर, ये सभी जो है ट्रू फ्रूट्स के उदाहरण हैं। और कुछ पौधों में जिसमें अंडाशय के अलावा पुष्प के अन्य हिस्सों से, तो वो अन्य हिस्से कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे वाय दलपुंज या कैलिक्स जिसे हम कहते हैं, दलपुंज जिसको हम कोरोला कहते हैं इंग्लिश में, और पुष्पासन जिसको हम थैलमस कहते हैं। तो पुष्प के इन सब भागों से भी जो है फल का विकास हो सकता है, फल डेवलप हो सकता है। ऐसे जो है फ्रूट्स फॉल्स फ्रूट कहलाते हैं। अब ऐसे सभी फलों को फॉल्स फ्रूट या आभासी फल या स्यूडोकार्प कहते हैं। स्यूडोकार्प जो है, इसकी स्पेलिंग कैसे लिखी जाएगी, स्यूडोकार्प। तो ये सभी जो है टर्म जो है इसी के लिए यूज होते हैं, तो उनको फॉल्स फ्रूट, स्यूडोकार्प भी कहते हैं। अब इनके उदाहरण कौन से हैं, काजू, सेब, नाशपाती, लौकी, ककड़ी, ये सब क्या है, ये सभी फॉल्स फ्रूट के जो है या आभासी फलों के उदाहरण है। आगे चलते हैं, अभी और क्लियर हो जाएगा। अब हम फल की संरचना की बात करते हैं कि एक फल जो होता है उसकी संरचना क्या होती है, उसमें बाहर से अंदर तक कौन कौन सी लेयर्स पाई जाती हैं, क्योंकि इन्हीं लेयर्स में कुछ ना कुछ खाया जाता है, एडिबल पार्ट होता है, और उसी एडिबल पार्ट के आधार पर जो है फलों को हम क्लासिफाई करते हैं। तो एक फल जो होता है, अभी हम इसको चित्र के माध्यम से देखते हैं, पहले इसके जो है थ्योरेटिकल देख लीजिए। दो प्रमुख भाग होते हैं, कौन सा, तो बाहरी भाग जो होता है उसको फल भित्ति या पेरिकार्प कहते हैं, और सबसे अंदर क्या होता है, बीज या सीड होता है। तो दो पार्ट कौन से हो गए, फल भित्ति या पेरिकार्प और बीज या सीड। बीज सबसे अंदर होता है, अंडाशय ओवरी की दीवार से फल भित्ति जो है विकसित होता है, यानी ओवरी की दीवार से ही जो है फल भित्ति का विकास होता है। फल भित्ति को वाय फल भित्ति, मध्य फल भित्ति और अंतः फल भित्ति, इंग्लिश में एपिकार्प, इंडोकार्प और मीजोकार्प, ये जो है तीनों जो है एपिकार्प, मीजोकार्प मध्य फल भित्ति और इंडोकार्प अंतः फल भित्ति, ये तीन भागों में हम फल भित्ति को डिवाइड कर सकते हैं।
और जो बीज का निर्माण होता है ये फर्टिलाइजेशन के बाद बीजांड से होता है। बीजांड को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ओव्यूल। तो बीज का निर्माण जो है या सीड का निर्माण किससे होता है? ओव्यूल से होता है। अब ये आपके सामने एक डायग्राम है टिपिकल, इस पे हम समझने का प्रयास करेंगे कि फल जो है वो किस तरह से उसको जो है हम संरचना उसकी देखते हैं। तो फल को अगर हम ब्रॉडली देखें तो यहां से यहां तक का पार्ट क्या कहलाता है? पेरिकार्प, जिसको हम ब्रॉडली क्या कहते हैं? फल भित्ति। और ये जो बीज का पार्ट है ये क्या है? ये सीड है या बीज है। अब जो पेरिकार्प है जिसको हिंदी में हमने क्या कहा? फल भित्ति। ये तीन प्रमुख लेयर से बना होता है, बाहर से अंदर की तरफ चलते हैं तो सबसे बाहर की लेयर क्या कहलाती है? एक्सोकार्प कहलाती है। बीच की लेयर मीजोकार्प कहलाती है और अंदर की लेयर जो है इंडोकार्प कहलाती है। यानी एक्सोकार्प, मीजोकार्प और इंडोकार्प, ये जो है तीनों लेयर हो गई। उसके बाद सीड जो है, सीड के भी तीन प्रमुख भाग होते हैं, इंडोस्पर्म। इंडोस्पर्म का क्या होता है? ये वाला जो है लिक्विड पोर्शन, जिससे कोई भी बीज जो है अपना पोषण प्राप्त करता है, उसी पर वो डिपेंड होता है पोषण के लिए। उसके बाद उसमें एक एम्ब्रियो होता है, यही एम्ब्रियो आगे चल के जो है विकसित होकर एक पूर्ण पौधे का जो है निर्माण करता है। और सीड कोट, सीड कोट जो है सीड को बचाने के लिए उसका जो बाह्य आवरण होता है उसको हम सीड कोट के नाम से जानते हैं। तो ये जो है एक फल है, उसकी जो है टिपिकल संरचना है। आगे चलते हैं, अब हमने फल पढ़ लिया तो फूल के बारे में भी जानना जरूरी है, क्योंकि अभी जब हम आगे एडिबल पार्ट्स की बात करेंगे तो उसमें तरह तरह की टर्मिनोलॉजी हो यूज़ होगी, जैसे कि पुष्पासन जिसको हम थैलमस कहते हैं, फिर पेटल, सेपल, ये सभी जो है। तो इसको एक बार जल्दी से हम देखते हैं। तो कोई भी फूल हो अगर उसको जो है ये इसका जो है सेक्शन कटा हुआ है तो सबसे नीचे जो उसकी डंठल होती है जहाँ से वो जुड़ा होता है उसको हम क्या कहते हैं? पेडिकल कहते हैं। थोड़ा सा और ऊपर चलें तो उसके ऊपर जो है नेक्टरी होती है, जहाँ पर जो है नेक्टर जमा होता है। फिर बीच में ये जो लाइन सी बनी है क्या है? फ्लोरल एक्सिस है। यानी ये जो फ्लोरल एक्सिस जो है पूरे फूल को दो बराबर भागों में डिवाइड करता है। अब हम इसकी बाहरी संरचना को देखते हैं। तो जैसे ये बाहर जो है हरा वाला जो ये पत्ती नुमा पोर्शन है ये सेपल या कैलिक्स कहलाता है, और अंदर वाला जो पोर्शन है जो कलरफुल होता है प्रायः वो क्या होता है? उसको पेटल या कोरोला कहते हैं। फिर इन दोनों को ही मिला के हम जो है पेरियंत कहते हैं। कुछ फलों में ये भी खाया जाता है, जिसका भी उदाहरण हम आगे देखेंगे। फिर इसका जो है ये पिस्टिल है या जिसको हम गाइनीशियम कहते हैं। गाइनीशियम में क्या क्या पार्ट होते हैं? स्टिग्मा होता है, ये स्टाइल होता है जो इसका जो है स्टेम जैसा होता है, और ये ओवरी होता है। ये वाला पोर्शन ओवरी है, जिसको हम अगर लार्ज करें तो ये इस तरह से दिखेगा। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स पाए जाते हैं जो ये रेड कलर से यहाँ शो किए गए हैं। इसके बाद अगर हम इसके मेल पार्ट की बात करें यानी एंथर की, तो एंथर में जो है पूरे को हम स्टामेन कहते हैं। इसमें सबसे नीचे जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको फिलामेंट कहते हैं। फिर इसमें जो अंदर जो है स्पोर्स होते हैं उसको माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं, ये एंथर कहलाता है, और ये कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पर होते हैं। तो इस तरह से जो है ये फूल का पूरा स्ट्रक्चर हो गया, मैच्योर फ्लावर। तो अब हम फलों को जो है उनके टाइप में यानी उनके क्लासिफिकेशन में करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सरल फल। सरल फल को हम सिंपल फ्रूट, और यही फल जो है ट्रू फ्रूट होते हैं। यानी ट्रू फ्रूट कैसे हुए? ये ओवरी से डायरेक्ट डेवलप होने वाले फ्रूट हैं। तो ऐसा फल पुष्प के एकल अंडाशय यानी सिंगल ओवरी से विकसित हो सकता है, अर्थात पुष्प के जायांग यानी गायनेशियम से केवल एक ही फल बनता है, उसको हम सरल फल कहते हैं। अब इसमें अंडपों की जो संख्या होती है, अंडप क्या? कार्पेल्स। तो अंडपों की संख्या या नंबर आप कार्पेल्स के आधार पर जायांग, जायांग क्या? गायनेशियम जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। जायांग निम्नलिखित प्रकार के हो सकते हैं, कैसे कैसे? एकांडपी जिसको हम मोनोकार्पेलरी कहेंगे, मोनोकार्पेलरी गायनेशियम, या बहुअंडपी, बहुअंडपी मतलब पॉलीकार्पेलरी गायनेशियम, या युक्तांडपी
युक्तांडपी को हम सिनकॉर्पस भी कहते हैं, जिसमें जो है एक साथ जो है कई सारे जो है कॉर्पल्स जो है फ्यूज हो जाए तो उनको सिनकॉर्पस कहेंगे। अब एकांडपी जायांग या मोनो कार्पेलरी जो गाइनीशियम है इसका उदाहरण क्या है पूछा जा सकता है, पूछा जाता भी है। चना और मटर ये जो है मोनोकार्पेलरी के उदाहरण हो गए। बहुअंडपी पे जो है यानी पॉलीकार्पेलरी के उदाहरण क्या हो गए, पोस्ता, पोस्ता आप जानते हैं ओपीएम जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं वो पोस्ता। फिर सरस फल के जो है प्रमुख उदाहरण अन्य कौन से हैं, अमरूद, केला, बैंगन, टमाटर, पपीता, खजूर, ये सभी जो है सरस फल या ट्रू फ्रूट के उदाहरण हैं। अब हम इसका एक क्लासिफिकेशन करते हैं तो क्लासिफिकेशन जो है सिंपल फूड को हम दो भागों में बांटते हैं। एक को कहते हैं सरस फल, सरल फल को हम दो भागों में बांटते हैं सिंपल फ्रूट को, सरस फल या सकुलेंट फ्रूट्स यानी जिसमें रस भरा हो। सीधा सा सरस का क्या अर्थ होता है, जिसमें रस हो, सकुलेंट का मतलब होता है थोड़ा सा फूला हुआ कोई स्ट्रक्चर होता है तो इसको हम सरस फल कहते हैं, और दूसरे को हम शुष्क फल या जो है ड्राई फ्रूट कहते हैं। अब इन्हीं के विभिन्न और सब ब्रांचेज हैं जिनके अंतर्गत जो है हम देखते हैं। तो सरस फल में क्या क्या उदाहरण होते हैं, ड्रूप जिसको हम अष्टिल कहते हैं, बेरी, पेपो, पोम, हेस्पिरिडियम और बलास्टा, ये जो है इसके किसके हो गए, सरस फल के उदाहरण हो गए। अब शुष्क फल में हम चलते हैं, शुष्क फल को तीन या ड्राई फ्रूट्स को तीन भागों में बांटते हैं, कौन कौन से, हिंदी में पहले पढ़ते हैं अफोस्फोटी या एक एकिनियल, तो यानी इसको हम क्या कहेंगे, इंडिहेसेंट या एकेनियल। अब एकेनियल के तीन पार्ट हो गए, इसके और जो है सब डिविजन, एकीन, कैरियोप्सिस, कैरियोप्सिस के उदाहरण कौन से हो गए, जौ, गेहूं, मक्का, चावल, ये सभी कैरियोप्सिस फल के उदाहरण हो गए। सिप्सेला का उदाहरण जो है सबसे प्रमुख जो पूछा जाता है वो कौन सा है, सूरजमुखी है। और नट फ्रूट जो है लीची, काजू, सिंघाड़ा, ये सभी जो है नट के उदाहरण हो गए। फिर अगला जो है ड्राई फ्रूट का उदाहरण क्या है, स्फोटी या संपुटी जिसको डेहिसेंट या कैप्सूलर कहते हैं, तो इसमें मेनली जो है कैप्सूल आते हैं, भी आगे हम सब उदाहरण देखते हैं। फिर भेदुर, स्प्लिटिंग और साइजोकार्पिक फ्रूट, तो ये जो है अब इनके क्या प्रमुख उदाहरण है, ये तो एक डिवीजन हो गया, जो आपके एग्जाम में आएगा वो यहां से आएगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो एकल फल जो है सबसे पहले जिनकी हम बात कर रहे हैं, मटर, मटर क्या है, किस प्रकार का फल है, दोनों चीजें पूछी जाती है, किस प्रकार का फल है और क्या पार्ट उसका खाया जाता है, एडिबल पार्ट क्या है। तो मटर का जो है फली या लेग्यूम है इसका टाइप, और इसमें हम क्या खाते हैं, भ्रूण खाते हैं और पूरा इसका बीज भी खाते हैं, तो ये पी या मटर हो गया। भिंडी का जो है कैप्सूल खाया जाता है, सॉरी कैप्सूल टाइप का ये फल है और इसकी फल भित्ति जिसको हम पेरिकार्प कहते हैं तथा संपूर्ण बीज जो इसका खाया जाता है। फिर गेहूं की बात करते हैं, गेहूं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, तो गेहूं में जो इसका फल का टाइप है वो क्या है, कैरियोप्सिस, जो हमने पीछे बताया आपको कैरियोप्सिस, और इसमें एम्ब्रियो सैक खाया जाता है सबसे इंपॉर्टेंट है, और उसके अलावा पूरा भ्रूण भी खाया जाता है। मक्का या मेज जो है ये भी कैरियोप्सिस का ही उदाहरण है, इसमें भी पूरा भ्रूण पोष तथा भ्रूण खाया जाता है। अब हम नट को एक साथ ले लेते हैं, तो नट कौन कौन से, काजू, लीची और सिंघाड़ा, ये जो है प्रमुख नट फ्रूट्स के उदाहरण हैं। इसमें काजू में हम कॉटिलीडन यानी बीजपत्र खाते हैं तथा भ्रूण भी खाते हैं, क्या खाते हैं, बीजपत्र तथा भ्रूण। उसके अलावा मांसल बीज चोल यानी फ्लैसी एरिल खाया जाता है, किसका, लीची का, सब पूछे जा चुके हैं। और सिंघाड़े का क्या खाया जाता है, सिंघाड़े का हम बीज खाते हैं। अगला हम देखते हैं लोमेंटम टाइप फ्रूट कौन सा है, लोमेंटम को जो है अफुष्पटनशील फली या लेग्यूम भी कहते हैं, तो इमली जो है टैमरिंड ये इसका प्रमुख उदाहरण है लोमेंटम का। मध्य फलवृत्ति यानी मीजोकार्प इसमें खाया जाता है। आगे चलते हैं, मूंगफली भी जो है लोमेंटम का ही उदाहरण है, इसका जो है पूरा भ्रूण खाया जाता है। नारियल कई बार पूछा गया है, दसियों बार विभिन्न एग्जाम में, क्योंकि ये क्या है, अब यहाँ से लेके नारियल, अखरोट, आम, बेर,
बादाम, आड़ू, ये सभी क्या है? ये सभी जो है ड्रूप्स के उदाहरण है। ड्रूप, ड्रूप या हिंदी में अस्थिफल, तो ड्रूप के उदाहरण है। अब नारियल में क्या खाया जाता है? पूरा भ्रूणपोष खाया जाता है, जिसको हम एंडोस्पर्म भी कहते हैं। फिर पालीवत बीजपत्र खाया जाता है, लोब्ड कॉटिलीडन जो है अखरोट का। आम का हम मांसल मध्य फल वृद्धि यानी स्लैसी मीजोकार्प आम में खाया जाता है। बेर में हम बाह्य तथा मध्य फल वृद्धि यानी एक्सोकार्प और इंडोकार्प दोनों ही बेर में खाया जाता है। बादाम में बीज खाया जाता है, जिसमें बीजपत्र और भ्रूण दोनों ही शामिल हैं। और आड़ू, जिसको हम इंग्लिश में प्लम कहते हैं, प्लम में बाह्य तथा मध्य फल वृद्धि यानी एक्सोकार्प और इंडोकार्प दोनों ही खाया जाता है। अंगूर जो है सरस फल या बेरी का उदाहरण है, और सुपारी भी जो है सरस फल या बेरी का उदाहरण, लेकिन इसमें जो एडिबल पार्ट है उसमें भिन्नता है। अंगूर में हम क्या खाते हैं? पेरिकार्प खाते हैं और प्लेसेंटा खाते हैं, दोनों ही चीज याद रखिएगा। फल वृत्ति तथा बीजांडासन ये दोनों ही खाया जाता है अंगूर में, और सुपारी में जो है इंडोस्पर्म खाया जाता है। आगे चलते हैं। अब ये सभी जितने भी फल हैं ये सभी बेरी फ्रूट्स के आपके सामने उदाहरण हैं। अमरूद, केला, बैंगन, टमाटर, जामुन, पपीता, खजूर, चीकू, मिर्च, ये सभी कैसे हैं? सरस फल या बेरी हैं ये, और इनमें जो है मुख्यतः जो है फल भित्ति ही खाई जाती, किसी में इंडोकार्प किसी में मीजोकार्प। तो इसको जो है जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो है केला। केला में मध्य फल वृत्ति, अंतःफल फलवृत्ति और बीजांडाशन यानी मीजोकार्प, इंडोकार्प और प्लेसेंटा तीनों ही केले में खाया जाता है। बैंगन टमाटर में पेरिकार्प और प्लेसेंटा खाया जाता है। जामुन में केवल जो है मीजोकार्प खाया जाता है, और पपीता में भी मीजोकार्प खाया जाता है। खजूर में हम क्या खाते हैं? बाह्य तथा मध्य फलवृत्ति यानी एक्सोकार्प और मीजोकार्प जो हम खजूर में खाते हैं। मिर्च में हम संपूर्ण फल खाते हैं, तो ये जो है इसके बेरी के उदाहरण हो गए। अब हम पीपो की बात करते हैं, तो पीपो जो है कौन कौन से फल हैं? कुकुरबिटेसी फैमिली के जो फल हैं, या हम लोग इनको सब्जियां कहते हैं लेकिन ये वास्तव में क्या हैं? फल हैं। खीरा, खरबूजा और लौकी, ये सभी क्या हैं? कुकुरबिटेसी से रिलेटेड हैं। ये सभी कैसे फल हैं? पीपो हैं। अब खीरा में हम मीजोकार्प, इंडोकार्प और प्लेसेंटा खाते हैं। खरबूजा में हम मीजोकार्प और इंडोकार्प खाते हैं। लौकी, जिसको बॉटल गार्ड कहते हैं, इसमें मीजोकार्प और इंडोकार्प तथा प्लेसेंटा खाया जाता है। आगे चलते हैं। अब पोम की बात कर लेते हैं। पोम के पहले उदाहरण देखिए आप, सेब, नाशपाती और लोकाट, ये तीनों ही कई कई बार पूछे गए हैं। ये तीनों ही क्या हैं? पोम टाइप ऑफ फ्रूट हैं, सेब, नाशपाती और लोकाट। इसमें क्या खाया जाता है? तीनों में कॉमन है फ्लैसी थैलमस। सेब में, नाशपाती में, लोकाट में, तीनों में ही फ्लैसी थैलमस खाया जाता है। नींबू में हेस्पिरिडियम टाइप का ये फल है। नींबू कैसा फल है? हेस्पिरिडियम टाइप ऑफ फल है। इसमें अंतः फल वृत्ति यानी मीजोकार्प, इंडोकार्प और रसदार एक कोशीय रोम, ये इंटरेस्टिंग है। आपने देखा होगा नींबू में क्या होते, छोटे छोटे जो है फाइबर लाइक जो है स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें रस भरा होता है, उसी को निचोड़ने पर उसमें से रस निकलता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? रसदार एक कोशिकीय रोम, या इसको जो है यूनिसेलुलर फॉलिकल्स ऑफ इंडोकार्प कहा जाता है, यही इसका एडिबल पार्ट है। तो जितने भी नींबू टाइप के फल होंगे, जैसे नींबू है, संतरा है, तो इनमें जो है ये हेस्पिरिडियम होते हैं पहली चीज, और उसके अलावा इसमें जो है यूनिसेलुलर फॉलिकल्स ऑफ इंडोकार्प ही खाया जाता है। बेल की बात करें, बेल जो है एम्फीसार का टाइप ऑफ फ्रूट है। इसमें गूदेदार अंतः फल वृत्ति यानी फ्लैसी इंडोकार्प और प्लेसेंटा यानी बीजांडाशन खाया जाता है। अनार का भी बहुत बार पूछा जा चुका है, क्योंकि अनार का जो है टाइप जो फ्रूट का है बिल्कुल अलग है। ये कौन सा टाइप है? बालोस्टा टाइप जो फ्रूट है, ये बालोस्टा, और इसका रसदार बीज का बाचोल यानी इसका जूसी टेस्टा खाया जाता है। क्या खाया जाता है एडिबल पार्ट? जूसी टेस्टा अनार का। अब सेकेंड टाइप जो फ्रूट है उसमें क्या है?
इसको हम पुंज फल या एग्रीग्रेट फ्रूट कहते हैं। ऐसे फल जो है जो बंच में एक साथ उगते हैं उनको हम पुंज फल कहते हैं। तो एक ऐसा फल बहुअंडपी या पॉलीकार्पेलरी तथा वियुक्तांडपी या एपोकार्पेलरी अंडाशय से विकसित होता है, अर्थात पुष्प के अलग अलग अंडाशय ओवरी से अलग अलग फल बनते हैं। एक प्रकार पुष्पासन पर अनेक सरल या फलों का गुच्छा या बंच बन जाता है, यानी जो बंच में जो भी फल होते हैं वो सभी जो है एग्रीग्रेट फ्रूट्स में आते हैं। अब इसके बारे में इसका हम विभाजन करते हैं तो एग्रीग्रेट फ्रूट्स को हम तीन भागों में जानते हैं। एकीन का पुंज फल जिसको हम इटेरियो आप एकीन्स कहते हैं। अब इसमें प्रमुख उदाहरण कौन कौन से हैं, रैननकुलस, स्ट्रॉबेरी, गुलाब और कमल, ये कैसे हैं, ये एटेरियो ऑफ एकीन्स हैं। फिर फॉलिकल ऑफ इटेरियो, इसका उदाहरण क्या है, मदार और सदाबहार का पौधा जिसको हम कैथरेंथस कहते हैं और मदार को जो है कैलोट्रोपिस कहते हैं इंग्लिश में। बेरी का पुंज फल यानी इटेरियो ऑफ बेरी इंग्लिश में कहेंगे। इसमें कस्टर्ड एप्पल यानी क्या शरीफा और अशोक जो होता है पॉलीएंथिया और इटेरियो ऑफ ड्रूप जिसका सबसे प्रमुख उदाहरण है रस भरी, तो ये सभी जो है बंचेज में पाए जाते हैं। आप इनके जो है तीन ही प्रमुख उदाहरण से जो है जो पूछे जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कमल की, तो कमल कैसा है, एकीन का पुंज है, इसका पुष्पासन तथा यानी थैलमस और सीड्स का खाया जाता है। स्ट्रॉबेरी का मांसल पुष्पासन यानी फ्लैसी थैलमस खाया जाता है और शरीफा का जो है फल भित्ति पेरिकार्प खाया जाता है, लेकिन इसमें जो है शिखर यानी उसके जो एपिकल पोर्शन है उसको छोड़ दिया जाता है। आगे चलते हैं, संग्रथिल फल, संग्रथिल फल को हम क्या कहते हैं, कंपोजिट फ्रूट्स कहते हैं। पीछे क्या था, एग्रीग्रेट फ्रूट्स, यहां पर क्या है, कंपोजिट यानी जो है एक साथ जो है वो आपस में मर्ज हो गया है। तो ये आभासी फल होते हैं, आभासी का अर्थ आप जानते ही हैं, यानी ये फॉल्स टाइप ऑफ फ्रूट होते हैं। इसके निर्माण में कैलिक्स, कोरोला और थैलमस भाग लेते हैं। अब इसका सबसे प्रमुख उदाहरण क्या है, अंजीर और बरगद। अंजीर और बरगद के जो फल होते हैं वो कैसे होते हैं, कंपोजिट टाइप ऑफ फ्रूट्स होते हैं। कंपोजिट फ्रूट दो तरह के होते हैं, एक को हम कहते हैं सोरोसिस और एक को कहते हैं साइक्नोसिस। तो सेरोसिस के उदाहरण कौन से हो गए, कटहल, अनन्नास और सहतूत हो गए, और साइक्नोसिस के अंजीर, पपीता और बरगद, ये साइक्नोस के जो है उदाहरण हो गए। अब इनके उदाहरण जो है फ्रूट टाइप के साथ समझ लेते हैं। तो अंजीर कैसा फल है, साइक्नोसिस का है और इसका जो है फ्लैसी रिसेप्टिकल और बीज यानी मांसल आशय और जो है इसका सीड खाया जाता है। अनन्नास जिसको हम पाइनएप्पल कहते हैं ये सोरोसिस है और सोरोसिस का जो है सहपत्र बायकेरिस जुड़ा हुआ परिदल पुंज जिसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, ज्वाइंट पेरियंथ और फल भित्ति यानी पेरिकार्प, ये खाया जाता है पूरा का पूरा। कटहल जिसको हम जैक फ्रूट कहते हैं ये भी एक सोरोसिस है, इसका सहपत्र परिदल पुंज तथा बीज खाया जाता है, इंग्लिश में ऊपर लिखा हुआ है। सहतूत जो मलबेरी कहलाता है ये भी एक सोरोसिस है और इसका जो है पेरियंथ यानी परिदल पुंज खाया जाता है। अब अगर हम जलवायु के आधार पर वर्गीकरण करें तो जलवायु के आधार पर जो है हम तीन बड़ी कैटेगरीज में बांट सकते हैं फलों को। सबसे पहली उष्ण कटिबंधीय फल जिसको हम ट्रॉपिकल फ्रूट्स कहेंगे। ट्रॉपिकल फ्रूट्स कौन कौन से हैं, यानी जो है जो गर्मियों यानी गर्म स्थानों पर अधिक तापमान वाले स्थानों पर उगते हैं, जिसमें से आम, केला, पपीता, अनन्नास, शरीफा, कटहल, काजू, चीक, नट एवं कमरख, ये सभी जो है क्या हैं, ये सभी जो है ट्रॉपिकल फ्रूट्स के उदाहरण हैं। तो कभी कभी फल दे दिया जाता है कि केला किस प्रकार का फल है, उष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय, तो आपको उसमें उसका टाइप बताना होता है। तो केला कैसा फल हो जाएगा, ट्रॉपिकल फ्रूट हो जाएगा। अब हम उपोष्ण की बात करते हैं सब ट्रॉपिकल की, यानी जहाँ पर ठंडक और गर्मी जो है दोनों ही एक निश्चित अनुपात में होती है, कुल मिला के कह सकते हैं
कि वहाँ का जो है वातावरण बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होता है, तो उपोष्ण जो है या जो सब ट्रॉपिकल होता है, अंगूर, अंजीर, संतरा, नींबू, अमरूद, एवोकाडो, लीची, बेर, खजूर, फालसा, अनार, आंवला, लोकाट, ये सभी जो है सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स के उदाहरण हो गए। शीतोष्ण कटिबंधीय यानी जो हिमालयी क्षेत्रों या उस ठंड वाली जगहों पे उगते हैं, जैसे कि सेब, नाशपाती, आड़ू, आलू बुखारा, बादाम, खुबानी, चेरी, चिलगोजा, स्ट्रॉबेरी, तेंदू, रसभरी, अखरोट, चेस्टनट, हेजलनट, पीकट नट, ये सभी जो है जो शीतोष्ण कटिबंधीय फल या टेम्परेट फ्रूट्स हैं। कुछ फलों को हम सदाबहार फल की कैटेगरी में भी रखते हैं, जो हर मौसम में जो है कॉमनली हो जाते हैं, या तो उनमें जो है सेब, आड़ू, नाशपाती, आलूचा, खुबानी, ये आते हैं। लेकिन प्रमुख रूप से जो जलवायु के आधार पर वर्गीकरण है वो तीन ही है, उष्ण, उपोष्ण और शीतोष्ण। अब फलों में कमी हो जाती है मिनरल्स की, तो इन मिनरल्स की कमी के कारण जो उनमें प्रमुख रोग हो जाते हैं, इनसे भी बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो देखते हैं। नींबू में डाइबैक रोग, डाइबैक ऑफ लेमन, ये किसकी कमी से होता है? कॉपर की कमी से होता है। आम में लीफ स्क्रॉच, आम का यानी मैंगो का लीफ स्क्रॉच डिजीज होता है पोटेशियम और पानी में क्लोराइड की अधिकता के कारण, जो है इसमें आम में लीफ स्क्रॉच हो जाता है। कटहल का काला सीरा रोग यानी ब्लैक टिप ऑफ कटहल जैक फ्रूट, तो इसके में बोरान की कमी से होता है। आम का काला सीरा रोग यानी ब्लैक टिप ऑफ मैंगो, ये जो भट्ठे होते हैं ईंट के, उनके धुएं से निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड या SO2 के कारण होता है। पीकन नट में गुच्छा रोग, जिसको बंची डिजीज कहते हैं, तो पीकन नट में जो है जस्ते की कमी से बंची रोग होता है। अंगूर में डिसऑर्डर मिलरेंड, तो ये जो है बोरान की कमी से होता है। नींबू में एलो स्पॉट डिसऑर्डर किसके कारण होता है? मॉलिब्लिडनम की कमी से, पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। आंवले में आंतरिक निक्रोसिस या इंटरनल निक्रोसिस जो है आंवले की, ये बोरान की कमी से होने वाली डिजीज है। नींबू में लिटिल लीफ, बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है, कई बार पूछी जाती है, लिटिल लीफ ऑफ लेमन या नींबू या सिट्रस जिसे कहते हैं, इसको कॉपर की कमी से होता है ये। आम और बैंगन में लिटिल लीफ, तो लिटिल लीफ जो है इसमें पत्तियाँ छोटी हो जाती हैं और श्रिंक हो जाती हैं, ये आम और बैंगन में जिंक की कमी से होता है। आप कुछ और प्रमुख बीमारियां देखते हैं, तो वाटर कोर डिजीज ऑफ बनाना, ये बर्फ के कण और सॉर्बिटॉल के कणों के जमाव के कारण होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है, तो इसमें सॉर्बिटॉल के कणों के डिपोजिशन और आइस के जो कण होते हैं उनके डिपोजिशन के कारण होता है वाटर कोर डिजीज। अमरूद में ब्रॉन्जिंग डिजीज जो होती है ये जस्ते की कमी से होती है। लीची में पत्ती का जलना या स्क्रॉच डिजीज कहते हैं लीची की, ये पोटेशियम के कारण होता है। आम में इंटरनल नेक्रोसिस या आंतरिक नेक्रोसिस, ये बोरान की कमी से होने वाला रोग है। और अंगूर में हैन एंड चिकन, बहुत बार पूछा जा चुका है, हैन एंड चिकन रोग जो है ये अंगूर का बोरान की कमी से होने वाला रोग है। अब बहुत सारे फल हैं जिनको संज्ञाएं कुछ ना कुछ दी जाती हैं, तो फलों पर हम लोग बात कर रहे हैं तो उसको भी बात करेंगे, और इसके बाद जो है फलों में किस क्रम में पोषक पदार्थ पाए जाते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये इसके बाद देखेंगे। तो किंग ऑफ फ्रूट या फलों का राजा किसको कहते हैं? आम को कहते हैं। क्वीन ऑफ फ्रूट लीची को कहते हैं। किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट यानी ठंडी जगहों का जो फल सबसे ज़्यादा वो सेब है। बटर फ्रूट फ्रूट ऑफ न्यू वर्ल्ड कहलाता है एवोकाडो। किंग ऑफ एरिड फ्रूट बेर को कहते हैं। कल्पवृक्ष की उपाधि दी जाती है नारियल को। सेंचुरी प्लांट या कैंप प्लांट कहते हैं खजूर को। किंग ऑफ फॉरेस्ट कहते हैं टीक को। एडम्स फ्रूट कहते हैं केला को। पुअर मैंस फ्रूट या गरीब आदमी का जो है फल क्या कहलाता है? बेर कहलाता है। क्वीन ऑफ नट्स, नट्स की क्वीन जो है पीनट को कहते हैं। फैंसी फ्रूट कहते हैं एंडेरिन को। और किंग ऑफ नट कहते हैं वॉलनट को। तो ये सभी फ्रूट्स की जो है कुछ संज्ञाएं हैं।
अब हम बात करते हैं फलों में जो प्रमुख जो है पोषक तत्व पाए जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन क्या आता है, विटामिन ए सबसे ज्यादा किस फल में पाया जाता है, विटामिन बी किस में पाया जाता है, इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं उसको आप यहां से टैकल कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम विटामिन की बात करते हैं। तो विटामिन ए सबसे प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है, आम में, उसके बाद पपीता में, उसके बाद पर्सिमोन में पाया जाता है। फिर विटामिन B1 या थायमिन जिसे हम कहते हैं, सबसे ज़्यादा ये काजू में, अखरोट, फिर बादाम। तो पहले क्रम का जो है मुख्य है, सबसे ज़्यादा याद रखना आपको, विटामिन B2 जिसको राइबोफ्लेविन कहते हैं, सबसे ज़्यादा बेल में पाया जाता है। विटामिन C सबसे ज़्यादा पाया जाता है बारबेडॉस चेरी में, उसके बाद आंवले का नंबर आता है। कभी कभी सोचने में लगता है कि आंवला सबसे ज़्यादा जो है विटामिन सी वाला है, तो ऐसा नहीं है, बारबेडॉस चेरी जो है सबसे ज़्यादा विटामिन सी इसमें पाया जाता है। उसके बाद ये पूरा क्रम आपके सामने लिखा हुआ है। अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाता है, रेजिन फ्रूट में, उसके बाद अनन्नास में। प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाया जाता है काजू में, 21.2% जो है इसमें प्रोटीन कंटेंट होता है, उसके बाद बादाम, उसके बाद अखरोट का नंबर आता है काजू में, प्रोटीन में सॉरी। वसा या फैट सबसे ज़्यादा पाई जाती है अखरोट में, 64.5% इसमें फैट होता है। तो अखरोट में सबसे ज़्यादा फैट होता है, फलों की बात कर रहे हैं, उसके बाद बादाम, फिर काजू का नंबर आता है। कार्बनिक एसिड्स कौन कौन से, सबसे पहले हम साइट्रिक एसिड की बात करें, तो सबसे ज़्यादा बेरी, फिर नींबू वर्गी फल यानी जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, अमरूद, नाशपति। माइलिक एसिड किस में पाया जाता है, सेब में, केला में, चेरी में, बेर में और तरबूज में, ये सभी में जो है माइलिक एसिड पूछा, और सेब की वजह से जो है पूछा भी जा चुका है कई बार कि सेब में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो माइलिक एसिड पाया जाता है। टार्ट्रिक एसिड इमली और अंगूर में पाया जाता है। अब खनिज की उपलब्धता देखते हैं फलों में किस प्रकार से है, तो सबसे ज़्यादा कैल्शियम किस में पाया जाता है, लीची में, लीची में सबसे ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है, उसके बाद करौंदा, फिर अखरोट। आयरन लौह तत्व यानी सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, करौंदा में, उसके बाद खजूर, फिर तीसरे नंबर पर अखरोट। फास्फोरस सबसे ज़्यादा पाया जाता है बादाम में, फिर काजू में, फिर अखरोट में। तो कम से कम जो पहला नंबर का है वो आपको जरूर याद रखना है। तो दोस्तों इस तरह से जो है हम लोगों ने फल के इस चैप्टर को समाप्त कर लिया है। अब हम लोग जो है बायोलॉजी जीके में, जैसे मैंने आपको बताया भी था कि मानव पोषण स्टार्ट करेंगे, तो जल्दी ही जो है मानव पोषण स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो को 1 से 2 बार रिवाइज करके देख लीजिएगा, फलों से संबंधित जो भी प्रश्न आते हैं वो आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।